मेरा शेरवानी का सारा बटन टूट गया, ऊपर का 3-4 बटन जो है वो टूट गया था, वो शादी में ही टूट गया था, शादी में ही। दुकानदार कहाँ है ना, ज्यादा से ज्यादा यार एक हफ्ता में धोखे दे देते हैं। कितना दिन लगे? रात के 10 से ज्यादा हो रहे हैं और मुझे अभी गाड़ी का पेपर देने जाना है, तो अभी बस मैं जा रहा हूँ। ट्रक आ चुका है अभी पे खड़ा। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। फिलहाल मैं सो के उठ चुका हूँ और अभी 8:30 बज रहे हैं और आज इतना ज़्यादा ठंड है ना, मुझे इतना ठंड लग रहा है, मैं ये ओढ़ के बैठा हूँ अभी सो के उठा। और अभी सब चले गए हैं, पापा अभी काम पे और कालू ट्यूशन पढ़ने गए हैं और मम्मी अभी अपना काम कर रही है, बर्तन वर्तन धो रही है। तो फिलहाल मुझे इतना ठंड लग रहा है ना, उठने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी मैं अभी जाता हूँ, फ्रेश व्रेश होता हूँ। फ्रेश होके आ चुका हूँ, मैंने ब्रश व्रश कर लिया है अभी, और आज बहुत ज़्यादा ही ठंड है, एकदम पूरा आज तो फॉगी फॉग है, पूरा एकदम फॉग है, इसीलिए आज मैं लेट से उठा नहीं, तो मैं सोचा था कि सवेरे उठ के जाऊँगा मॉर्निंग वॉक पे, थोड़ा सुबह सुबह घूमूंगा तो अच्छा रहता है। तो फिलहाल मैं तो उठ नहीं पाया, इतना लेट से उठा 8:30 बजे, इतना ज़्यादा ठंड था आज। और अभी फिलहाल मैं बिस्तर समेट लेता हूँ यार, पूरा ऐसे उस वक्त उठा तो ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ, तो अभी उसको समेट लेता हूँ। मैं अभी पहले बिस्तर को सही कर लेता हूँ, उठाऊँ ऐसे ही, ये रसाई मसूरी सब है तो इसको पहले सही कर लेता हूँ। मैं अभी अभी कालू आ गया ट्यूशन पढ़ के, इतना लेट, वैसे तो एक वजह आता है कि टीवी देख के यहाँ आएंगे तो पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, और अभी आया है तो ब्रश कर रहा है, बिना ब्रश के जाता है पढ़ने के लिए। मम्मी अभी किचन में खाना बना रही है। अभी करते हैं नाश्ता, रोटी और आलू सब्जी, आलू का सब्जी। तो अभी फिलहाल मैं नहा के आ चुका हूँ और अभी इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था इसलिए मैं सीढ़ी पे आके अभी खड़ा हूँ कि धूप ले रहा हूँ कि ठंड ना लगे, अभी बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा था नहाया तो। और फिलहाल अभी मुझे गैस ऑफिस भी जाना है, भारत का गैस ऑफिस, मैंने सिलेंडर बुक किया था, वो जो पहले जो बुकिंग जो नंबर होता है वो चेंज हो चुका था, तो किसी ने बोला कि व्हाट्सएप पे बुक होता है, व्हाट्सएप पे हाई वाई लिख के भेजना रहता है, तो वो भी कर दिया। मुझे भारत का गैस सिलेंडर बुक किए हुए 1 हफ्ता ज़्यादा हो गया बट अभी तक सिलेंडर आया नहीं है घर पर, तो एक बार जाके ऑफिस में पता कर लेता हूँ क्या क्या दिक्कत आ रही, क्या प्रॉब्लम है, जो गैस अभी तक भेजा नहीं, एक बार जाके चेक कर ही लेता हूँ। तो फिलहाल अभी पहले जाता हूँ खाऊंगा, उसके बाद अभी पहले हुडी पहन के जाऊंगा क्योंकि अभी ठंड लग रहा, तो हुडी पहनूंगा उसके बाद जाऊंगा बाहर के गैस ऑफिस। गैस का तो वो अभी सामने ही से कॉल किया, जो गैस हम लोग को घर पे लाके देता है, डिलीवर करता है, उसने बोला कि नहीं कल ही वो दे देता बट वो आज लेके आ रहा है घर पे, तो अभी मुझे गैस ऑफिस जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं फिलहाल चल रहा हूँ कपड़े लेने के लिए लॉन्ड्री से, क्योंकि हम लोग ने जब शादी में गया था तो सबका कपड़ा गंदा हो गया था, लॉन्ड्री में हम लोगों ने सब अपना अपना कपड़ा दिया था, लॉन्ड्री का इतना ज़्यादा पैसा हो गया था, कितना 700 के आसपास, इतना ज़्यादा महंगा, अगर पहले नहीं पता रहा था तो घर पे ही धुलवा लेते यार, 700 कौन देता है, मतलब 2-3 4 कोट थे और 2 पैंट था शायद। तो उसने यार यूजली तो 1 हफ्ता में कोई भी धोके देता है, उसने 15 दिन बोला कि 15 दिन के बाद धोके देगा, क्योंकि उसका जो काम करता है वो धोता है, वो कहीं चला गया था। तो अभी जल्दी से चलते लेके आते हैं। दुकानदार कहाँ गए वे? आ सकता क्या? नहीं, शाम को आ जाएगा ना कंफर्म, क्योंकि फिर मैं कल शादी में जाना है तो इसलिए आ जाएगा ना पक्का, तो मैं आऊँगा शाम को। कितने बजे तक? 5 बजे तक। ठीक है फिर मैं 5 बजे आता हूँ। बस इतना ही आया है कि और भी सब है? एक तो 12 दिन इतना है, ज्यादा से ज्यादा यार 1 हफ्ता में धोके दे देता है, ये सिस्टम नहीं है मेरे यहाँ। तो कितना दिन इमरजेंसी काम नहीं पड़ता है, इमरजेंसी हम भी लोग करके देते थे, जो करते उनका कोई देहांत कर गया इसलिए। अभी फिलहाल तो ये 2 पैंट मिला, एक पापा का ब्लेजर मिल गया और अभी मेरा कपड़ा मिला ही नहीं है, और कालू का भी, अंकित का भी, देख लो कहीं मिल जाए इस सब में से।
सारी कब तक दीजिएगा? अभी बंद है वॉश। तो फिर अभी सब कपड़ा लेके आ गए, अभी चेक कर लेते हैं सब, दाग वाग तो नहीं लगा ना। निकाल सब आराम से। ये मेरा सब बटन टूट गए। पापा का 1000। अभी मैं और कालू जाके वो कपड़ा लेके आए। वो तो बोल रहा था कि आया ही नहीं है आज, वो कल आएगा। बोल रहा था कि शाम को आने के लिए, शाम को 5 बजे जाने के लिए तभी देगा। तो भाई मैंने उसको अच्छे से बोला, यार मैं 12-13 दिन हो गया दे। उसने जिस दिन का टाइम दिया था ना, उसके एक दिन बाद मैं गया था लेने के लिए कपड़ा। अब वो बोल रहा है कि नहीं अभी तक आया नहीं, शाम को आना। तो मेरे को लगा कहीं खो हरा वरा तो नहीं दिया, क्योंकि लॉन्ड्री में ऐसा बहुत बार होता है। तो इसलिए उसको मैंने कितना बोला, तो फिर उसने कॉल लगा के पूछा तो उसने बोला कि आ चुका है, कल ही आ गया। तब तो उसने खोज के मेरे को कपड़े में से निकाल के दिया। एक तो इतना ज़्यादा पैसा भी इतना ज़्यादा ले लिया। मेरे को पहले पता होता तो यार घर पे ही धो लेते, उतना पैसा कौन देता है यार। ऊपर से ठीक है, धो के दे दिए। शेरवानी का सारा बटन टूट गया, ऊपर का 3-4 बटन जो है वो टूट गया था। वो शादी में ही टूट गया था, शादी में ही एकदम कब डांस वांस करने के चक्कर में, और कोई कोई आके हाथ मार देता था कपड़े पे। तो वो बटन जो नया नया लगाए थे, एक दिन में मैंने पूरा रेडी करवा के सिलवा के लिया था शेरवानी, तो उसने शायद सही से नहीं किया था, इसलिए कोई भी हाथ मारता तो टूट जाता था। तो अभी मुझे 4 बटन भी लेने हैं गोल्डन। यहाँ इधर तो नहीं मिल रहा है, मैंने इधर पता किया तो फौरी सज में कहीं पर मिल नहीं रहा है। मैं ऑनलाइन ही सोच रहा हूँ, ऑनलाइन मंगा लूँगा। ऑनलाइन अगर आ जाएगा तो यहीं पे सिलवा लो, वो बटन लगवा लूँगा शेरवानी में। अभी एक गाड़ी आ रहा है तो उसका पेपर देना है मुझको, तो अभी वो पेपर देख के आता हूँ। अभी 10 बज रहे हैं रात के, तो अभी जल्दी से देख के आते हैं। अभी रात के 10 से ज़्यादा हो रहे हैं और मुझे अभी गाड़ी का पेपर देने जाना है। तो अभी बस मैं जा रहा हूँ, ट्रक आ चुका है, हाईवे पर खड़ा है। तो अभी जल्दी से उसको पेपर दे के आता हूँ घर, ठंड भी लग रहा है। एक गाड़ी अभी दे दिया हूँ, अब चलता हूँ घर। 11 बज गया अभी करते करते यार, गया ट्रक। मैं रात को आ गया था, मुझे घर आते आते 11:30 हो गया था, क्योंकि वहाँ पे 1 घंटा से ज़्यादा लग गया। वो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि वो जो ट्रक वाला था उसको पता नहीं चला था मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। रात के टाइम पे दिख नहीं रहा था उतना, लाइट वाइट हाईवे पे लगा हुआ नहीं, तो वो गाड़ी आगे लेके चला गया था। उसके बाद वो 2 किलोमीटर आगे से घुमा के लेके आया, तो इसके लिए वो ज़्यादा टाइम लग गया था उसको आने में, मेरे को पेपर देने में। तो आते आते मेरे को 11:30 बज गया था, इतना नींद लगा था, मैं आते के साथ सो गया। ठंड भी लग रहा था उतना रात में यार। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।